बाघ के आने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैली हुई है। हमने वो शेर थोड़ा हुआ देखियो। कितने लोग थे आप लोग? हम पांच था, पांच सुजनी कने थार नु तो बेरो तो भाई शेर आ रिस जो डरता एक लन्ना जाए था डर को नु ना बेरो था हमने केडर से फिर मैं कहा ये यो के खड़ी हो से जब आ भाव न मारियो हाथ बोलू वो ये सही हो जब भाग गया सा हम तो ना तो हमने और इसी तरीके का एक जानवर अब रेवाड़ी जिले के गांव लिलोड में भी खेतों के अंदर देखा गया है। मुश्किल से बच गया ऐसा मार बुड्ढो गयो तो अमूरा आ लिया था ना मार सिर पर रूगड़ी खोरिया लिया दराती लिया अजब बाजिया सामी तो ना हमने ना बेरो तो भाई शेर कोई सा ने देखा कि ये तो शेर है। हम लोग ऐसे भाग गए सारे शेर से चिल्लाते हुए। फिर हम लोग मतलब ये हुआ ना कि हाँ या अगर हमारे पास ही आएगा तो हम लोग सारे चुप हो गए। बस कदमों की ऐसे आवाज ना आए ऐसे हम लोग आ गए। हमने दराती थी वो ऐसे ले ली और जो हमारा हरा था हम वही फेंक के थोड़ा बहुत बचा वही सिर पे लेके आए थे और पत्थर ले लिए थे वहाँ छोटे छोटे जो कंकर पड़े हुए वहाँ पर। हमने ऐसे बोला ना शेर है तो उसने ऐसे झट से देखा और हमारी तरफ ला 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 के दिखाने और घुर्राने की वो कोशिश की। फिर हम भाग लिए। हमने हाथ में दराती ले ली थी और पत्थर ले लिए थे कि आए तो आपस में फेंक देना। मेरे कोई बुखार हो गया था दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी देखते ही घबराहट हो गई थी। हाँ तो उससे मैं तो आके फिर यहाँ भी सर्दी चढ़ गई और दवाई ली घर पे आके। अरे डर तो के पड़ता उठता के थोड़ी देर टूटी से भाग्या सा न्यू बता मखो काज बाल कांख ने ना जाज की मिल की मार कर सबसे बताया किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि था किसी ने देखा था पर अंदर जो बीतते हो तो हमें खुद को ही पता होता है ना। ये हमने डर लग से मैं तो भाई डर गई मैं कदे नहीं देखियो भाई मैं तो खूब खेता हम डोली भाई आज समय ना जाऊं खल्ले भाई बता के के करांगा ए इनकी तो सांस ही नहीं जुड़ रही थी किसी तरह भी। ये तो इतने आप रहे थे जैसे भाई एक सांस वाला आदमी आप रहा हो ऐसे। नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। बाघ के आने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैली हुई है और इसी तरीके का एक जानवर अब रेवाड़ी जिले के गांव लिलोड में भी खेतों के अंदर देखा गया है। और उनको देखा है जो महिलाएं यहां पे मौजूद हैं इन्होंने उस बाघ जैसे जानवर को यहां पे देखा है। तो आखिर वो है क्या वो इन्हीं से हम जान लेते और क्या हालात हैं इनके अभी क्योंकि पूरा का पूरा जो गांव है वो खौफ के अंदर फिलहाल मौजूद है। तो चलिए इन्हीं से चलते। माता जी आपका नाम बताएं पहले तो। सुरेश। माता जी कैसे क्या देखा आपने? भाई देखो शेर बोल थो जब बच के भाज सा पुराने मुँह थो के करा जी। पांच जनी था। आप लोगों से कितनी दूर था? मारा डेढ़ किलो पर थो। अच्छा डेढ़ किलो तो उसकी क्या कुछ हरकतें देखी आपने? हमने वो शेर थोड़ा हुआ देखियो। कितने लोग थे आप लोग? हम पांच था, पांच जनी कने थार नु तो बेरो तो भाई शेर आ रिस जो डरता एक लन्ना जाए था डर को नु ना बेरो था हमने केडर से फिर मैं कहा ये यो के खड़ी हो से जब आ भाव न मारियो हाथ बोलू वो ये सही हो जब भाग गया सा हम तो ना तो हमने किए बेरो के चीज सही जी। फिर देखने के बाद क्या हुआ आप लोगों का? भाग गया और के करोड़ बच गया ना भाई। ये तो आसी आवे सामने भाई मारी बहुत मुश्किल से बच गया सा मार बुड्ढो गयो तो अमूरा आ लिया था ना मार सिर पर लूगड़ी खोरिया लिया दराती लिया अजब बाजिया सामी तो ना हमने ना बेरो तो भाई शेर कोई सा। फिर आप लोगों ने आकर किसी को बताया भी? बताया फोन करया या जिज्जी थी फोन लेगी थी फोन करया बुलायो यो बुड्ढो गयो कोटो बाटती मको तू ही मन्ना जा आम तो आएगा। तो वहाँ भी आपने शोर वगैरह मचाया था? हाँ कोई आदमी तो रूंग जाए ना है तो खेत में कोई आदमी ना है तो यल्ला मारता आया सब दाम सब ना यल्ला मारता न्यू पर वो थो देख परे पराने मुँह थो जाए नहीं मारे हाथ न बोलियो शेर से जब हम बाज जा भाग गया फिर अगा हुआ। अच्छा गुड़िया कैसे क्या कुछ देखा बताओ? हमने
गोल्डन ब्राउन कलर का तो उसका कलर था, इतना वो चौड़ा था, इतना ऊंचा था, उसकी लंबी सी पूंछ थी, लाल लाल आगे थी, गोल शेर का सा मुंह है और उसकी जैसे शेर की गद्दी होती है ना वैसे देखा था, जैसे हमने बचपन में टीवी वगैरह में देखा है छोटा शेर वैसा था वो दिखने में। अच्छा, तो फिर देखने के बाद क्या कुछ हुआ? देखने के बाद माँ जी ने सबसे पहले ये आगे थी, उनके पीछे मैं थी, फिर दोनों ये थी और हमने नानी को थोड़ी दूर पे दूसरे खेत में रखा हुआ था कि यहाँ काट लो हरा। तो जैसे ही माँ जी ने देखा ये बोली क्या है, तो हमने देखा कि ये तो शेर, हम लोग ऐसे भाग गए सारे शेर से चिल्लाते हुए। फिर हम लोग मतलब ये हुआ ना कि हाँ या अगर हमारे पास ही आएगा तो हम लोग सारे चुप हो गए, बस कदमों की ऐसी बस आवाज ना आए ऐसे हम लोग आ गए। हमने धराती थी वो ऐसे ले ली और जो हमारा हरा था हम वही फेंक के, थोड़ा बहुत बचा वही सिर पे लेके आए थे और पत्थर ले लिए थे वहाँ छोटे छोटे जो कंकर पड़े हुए थे उनको। और हम लोग जैसे ही आए तो हम लोगों ने उनको बांधा और थोड़ी देर वहीं रुक गए, हमने पत्थर, इतने में वो ऐसे जैसे बीच में रास्ता था और फिर एक नाला था उससे अगले खेत में उसने ऐसे छलांगी मारी थी, क्योंकि जंगली सुअर होता तो वो छलांगी नहीं मार सकता था, तो वो ऐसे सीधा गया, हमारी सांसें बिल्कुल तेज हो गई थी और हम लोग आगे जाने लगे ना, तो मेरी मम्मी है ये, इन्होंने जैसे कहा ना ये तो शेर है, उसने ऐसे जैसे पीछे मुड़ के देखा, तब हमने उसका अच्छे से चेहरा देखा, लाल लाल आँखें और वो ऐसे घुर्राने से लग गया था। फिर हम लोगों ने फोन वोन किया आगे जाके, फोटो तो हमें खींचने का ध्यान ही नहीं आया, हम लोग बिल्कुल ऐसे सांस चढ़ गया था, सब कुछ हो गया था। फिर हम लोगों ने जान बचानी सब बस जान बचा ले किसी तरह, और शेर शेर करते ऐसे भाग गए थे क्योंकि आगे तो लोग बार और थे, तो हम लोग ऐसे सबको शेर शेर चलो भाग जाओ खेत में कोई मत को, आगे खेत है उसके आगे मंदिर था, तो हमने मंदिर में भी कॉल कर दी थी कि उनके छोटा बच्चा है तो आप अपने बच्चे को और खुद भी अंदर हो जाओ, मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे, शेर आया हुआ है। बट फिर सब लोगों ने ढूंढा नहीं मिला, वो क्या तो भाग गया या जान बचाकर कहीं और निकल गया, क्योंकि खेतों में तो क्या पता कहां निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताओ जी क्या क्या देखा, आपका नाम क्या पहले बताओ? रामरती। बताओ कैसे क्या देखा आपने? हमने ऐसे देखा कि इनका खेत था, तो बोले कि चलो वहां देख लेते कि वहां में हरा चारा हो रहा है क्या, तो ये बेटी पहले जाओ थी, फिर मैं को नहीं बेटा ये अकेला मत जाना, फिर ये अगाओ बोली, ये जिठानी है हमारी, तो ये बोले ये क्या खड़ा है, ये दिखा देखने दो, फिर मैं बोली कि गादड़ है, बोली नहीं गादड़ नहीं है, फिर उसको ऐसे जैसे लंबा था ना ऊंचा था उसको देख के फिर हम तो दबे दबे पंजे से दूसरे रास्ते हो लिए, और फिर हम जो मेन रास्ते पे आए ना वो अगाऊ ही नाले से रास्ते से कूदे थे। अच्छा, आप लोगों से अगाऊ? हाँ, अगाऊ आ लिया था हम, और हम दूसरे रास्ते से आकर फिर मेन वेड़े पहुँचे ना, तो उसी रास्ते पे पहुँच लिया था वो, और फिर वो गी वहाँ का और शीर्षु को डोड़ो थो, उस बीच वहाँ पर हमने ऐसे बोला ना शेर है जी, तो उसने ऐसे झट से देखा और हमारी तरफ लाल लाल आँखें दिखाने और गुर्राने की वो कोशिश की, फिर हम भाग लिए, हमने हाथ में दराती ले ली थी और पत्थर ले लिए थे, कि आए तो आपस में फेंक देना। हाँ, फिर कॉल भी की थी, फिर ये जेठ जी पहुँच गए थे बड़े वाले, फिर ये गए तो वो कहीं छिप गया, ये दो जने थी वापस आ गए, किसी को बुखार भी चढ़ गया था, मेरे को ही बुखार हो गया था, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी देखते ही, घबराहट हो गई थी जी। हाँ, तो उससे मैं तो आके फिर यहाँ भी सर्दी चढ़ गई और दवाई ली घर पे आके, और जब आराम, अभी घबराहट है अभी भी, अभी भी अगर सोते हैं सपने में शेर ही दिखता है, वही बार बार परछाई सी आती है खेत की, पता नहीं शेर ही है वो क्या है, पर है कोई जानवर। हाँ, आजकल हमने देखा नहीं खेतों में ऐसा जानवर। बिल्कुल। हाँ। आप बताओ, आप लोग भी साथ ही थे? हाँ जी। बताओ कैसे क्या हुआ? जी, हम जोड़ी रिताने के लिए गए थे वहाँ पर, मम्मी बोली कि ये क्या खड़ा है, मुझे देखा तो मम्मी ये तो, मैंने हाथ मारा मुझे ये तो चित्ता है जी, मुझे यहाँ से मुझे चुपचाप निकल लो, हम दबे दबे पैर निकले तो आगे एक साइड आए तो अगाऊ हमारे साइड फिर मिला वो जी। फिर उसने छलांगी लगाई नाले पर से नीचे कूद गया, फिर ये आंटी जी ने बोली कि ये तो शेर है, हम ऐसे बोलती थी, जब उसने हमारे साइड मुँह किया और ला 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 दिखाई और घुराने लगा, फिर हम आगे चिल्ला कर जब हमारे ससुर जी आ गए फिर हम घर पर आ गए। माँ जी क्या हुआ आपके साथ? बताओ, आप वहीं थे? मैं तो बाज पड़िया रखा गए, ये लोग ऐसे आगे आगे हो रहे थे, तो मेरे बाद जैसे नानी का हाथ पकड़ के आप भागो इनसे नहीं भागा जाएगा, तो मैंने इसको पकड़ के और बताने का आगे बाज ली, मैंने ना बेरो देखा था, जरूर तो देखा था। क्या देखा था फिर? वो देखो कैसा जानवर दिख रहा था आपको? वो देखो तो कुत्ता वर्गो कुत्तो है वो, देखो तो दाम देखो तो लंबा था वो, कुत्ता सफेद लंबा था। हाँ जी, और वो पूछ उसकी ऐसे कति लंबी थी और मोरे, और उससे मुंह भी उसका भारा था और उसकी सिर पे ऊपर थोड़ी सी वो थागा,
बाल थे यहाँ बाल हाँ जी हमें देख छोटा शेर का बच्चा लग रहा था जैसे हमने टीवी वगैरह में बचपन में देखा आज तक तो वैसा ही दिख रहा था बस ये जानिए कि फोटो खींच लिए उस टाइम पे कि हम अपनी जान के वो थे कि जान बच जाए बस किसी तरह मध्य आप तो अभी ड्रीम लग रही हो अभी ड्रीम लग रहे हो भाई डर तो के पड़ता उठता के थोड़ी देर टूटी से भाग्या सा न्यू बता मखो काज बाल काखने ना आज की मिल की यार कर सबसे बताया किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि था किसी ने देखा था पर अंदर जो बीतते हो तो हमें खुद को ही पता होता है ना बिल्कुल तो गांव में क्या माहौल है गांव में सबको अफरा तफरी सी मची हुई है सब ढूंढने में भी लगे उधर साइड और सब कह रहे नहीं तुमने जंगली सुअर देखा पर सुअर के हम लोग फॉरेस्ट वालों के साथ में खुद गई थी बट वो सुअर के पैड भी नहीं थे वहां पर तो ये लोग कह रहे क्या तो तेंदुआ था या फिर जंगली बिल्ली थी तो और वैसे भी अभी रात हो रखी थी तो उन्हें भी ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दिया जंगली बिल्ली तो छोटी होती है इतना बड़ा था काफी बड़ा था इतना लंबा था और ऊंचा भी था ऊंचा भी था ऐसा तो हमने जानवर अभी पहली बार देखा जो खेतों में अपने में देखा नहीं जंगली बिलाव ऐसे देखते थे तो अब तो खेतों में जाने से डर लगता होगा अब तो डर लग रहा है आगे तो हम तो नहीं जाएंगे हम तो ना जावा सब लावणी लाग जाएंगी जब पीछे लावणी लागा भाई हमने डर लाग से मैं तो भाई डर गई मैं कदे नहीं देखियो भाई मैं तो खूब खेतों में डोली भाई आज पीछे मैं ना जाऊं खल्ले भाई बता फिर के करांगा नहीं बता भाई मैं बोटरी भाई मैं नहीं जाऊं खेत में बेसिकली तो हम सब नहीं जाते बट मम्मी और ताई जी जाते पर आज पता नहीं सबके मन में आ गया कि हम लोग भी चले और आज ही हम लोगों ने ये देख लिया बस अब मन नहीं करता वापस से खेत में जाए और भी लोग मौजूद थे इनसे भी हम जान लेते हैं बहुत जी बताए क्या माहौल है गाँव के अंदर गाँव के माहौल ऐसा है कि सब लोग डरे हुए हैं सहमे हुए कि हाँ खेतों की तरफ नहीं जा रहे तो आप ही गए थे जब इन्होंने कॉल वगैरह आपको हाँ कॉल लड़का रह गया था लड़का पीछे बाइक लेके गया था कि भाई मैं आर्या लेके आऊं तो वो इनको वे दूसरे रास्ते से आ गई वो उधर ढूंढ रहा था तो मैं उसको लेने गया था उधर से हाँ तो मैं उसको लेके जब ही आ गया था ये समझो कि उसको लड़के को बताया वो भी एकदम डर था मैं हुआ था उसकी बाइक भी गिर जाती वहाँ पे वो पानी भरा हुआ है वहाँ पे बाइक भी गिर जाती है उसको तो आपने इन लोगों को देखा था इन जो भी महिलाएं वहाँ थी न, तो उनके क्या हालात थे जब नहीं घर पे पहुंचे तब उस नहीं घर पे पहुंचने के बाद की बात है बाद के मैं बाद में गया था मिले थे इनसे तो इनके हालात क्या थे उसके ये तो इतनी डरे हुए थे कि इनके तो सांस ही नहीं जुड़ रही थी किसी तरह भी ये तो इतने आंप रहे थे जैसे भाई एक सांस वाला आदमी आंप रहा हो ऐसे बहुत आंप रही थी फिर मैंने इनको सेटिस्फाइड कर कुछ नहीं है जंगली सुअर है ये है ये है सेटिस्फाइड करने के बाद थोड़ा इनको राहत मिली ठीक है सर ये बात ही तो गांव में तो पूरे में पता लग चुका होगा सर हाँ जी गांव में पता लग गया और वन विभाग की टीम भी वो आया था फॉरेस्ट गार्ड जी नाड़ से तो अब जाके देखा था हमने तो अंधेरा हो गया था अभी तो थोड़ी देर पहले आए थे अब लाइट जल गई है जी तो अंधेरे में दिखा नहीं तो ये जो घटना है वो किस टाइम की दिन में एक डेढ़ बजे की बात है अच्छा एक डेढ़ बजे इन्होंने देखा था हाँ जी हाँ जी तो अब शाम को जब इन्होंने बताया उधर हम गए थे घूमने तो फिर फॉरेस्ट गार्ड को बुलाया और उन्होंने बताया कि कभी फिर कभी दिखे जी तो हमें बताना अभी तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अंधेरा बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे जो लोग हैं वो किस प्रकार से डरे हुए हैं वो भी आप समझ ही रहे होंगे सबके अंदर जो खौफ का माहौल है वो बना हुआ है और जिन महिलाओं ने अपनी आँखों से उसको देखा था वो जो भी जानवर था तो उसका डर अभी भी इनके बीच में बना हुआ है सर आप क्या कहेंगे क्या माहौल अब गाँव में गाँव में ये है सभी डरे हुए हैं और इसके जल्दी से इसको पकड़ा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए सभी भाण बेटी बाहर जंगल में जाती है सभी का डर चढ़ रहा है और ये ऐसा रहेगा तो काम कैसे चलेगा सभी डरे हुए हैं बिल्कुल तो गांव के अंदर जो खौफ का माहौल है वो फिलहाल बना हुआ है इन्होंने क्या देखा है सबसे बड़ा सवाल तो ये जी गांव में जंगली सुअर बहुत ज्यादा हैं और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं कृपया करके हमारी उनसे वन विभाग से इनसे विनती है प्रशासन से कि उनका भी कुछ समाधान करें हाँ जी हाँ जी हाँ दोबारा फसल बोई जाती है वो सारी फसल को उजाड़ देते हैं दोबारा फिर बोई जाती है तो बहुत मुश्किल रहती है बिल्कुल तो आसपास में जो जंगली सुअर हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन
जो खौफ बाघ का शेर का है वो तो आप इस गांव के अंदर देख ही रहे हैं, और उन महिलाओं के हालात उस समय पे क्या रहे होंगे वो भी आप समझ ही सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कहीं पे कुछ दिखता है तो वन विभाग को बताएं जरूर, ताकि और अपने गांव के अंदर भी उस चीज़ के बारे में बता दें ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना भी आप लोगों की जिम्मेवारी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।